आगामी लोकसभा चुनावों को ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से करवाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में बयानबाजी का दौर जारी है। हमीरपुर में भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने जहां ईवीएम मशीन को बंद करने की बात पर कांग्रेस को हारने के बाद बौखलाहट में बातें करना बताया है, जबकि पूर्व विधायक कांग्रेस कुलदीप पठानिया ने ईवीएम मशीन में खामियां बताई हैं और चुनावों में शक की सुई ईवीएम पर घूमने की बात कही है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया का कहना है कि जापान देश ने ईवीएम को बनाया है लेकिन वहां पर ईवीएम काम नहीं करती है और भारत में क्यों ईवीएम से चुनाव करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बीजेपी को भी ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाने चाहिए। ऐसा लगता है कि जो ईवीएम मशीन है इनमें कहीं ना कहीं कोई खामी तो है। जहां तक लोगों के रुझान की और वोटों की बात आती है, वर्तमान स्थिति में केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, उसके बावजूद लोग वोट देने की तैयारी में करते हैं। और यही नहीं, जहां जहां भी ईवीएम का जो चुनाव हुआ है उसमें शक की सुई तो घूमती है। अब टेक्निकली जिन प्रदेशों ने, जापान ने इसको तैयार किया है, उसने भी बंद कर दिया इसके ऊपर अपने वोटिंग मशीन को। तो जिन्होंने तैयार किया है उन्होंने बंद कर दी, तो हिंदुस्तान में इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर बंद कर दें तो क्या नुकसान है किसी को? अगर इसमें ठीक है तो बीजेपी वालों को ठीक लग रहा है ना। बाकी कह रहे हैं कि गलत है तो बीजेपी वालों ने बोले गलत है तो हमें भी गलत है, बंद कर दें। और जो दूसरी पार्टियों का जो शक है इसके ऊपर, मैं समझता हूं कि उनकी वाजिब है। वहीं भोरंज बीजेपी विधायक कमलेश कुमारी का कहना है कि आज जमाना आगे बढ़ रहा है लेकिन कांग्रेस पीछे जाने की बातें कर रही हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि कांग्रेस अपनी विधानसभा चुनावों की हार को नहीं पचा रही है और बौखलाहट में बयानबाजी करने में जुटी है। तो अब टेक्नोलॉजी का समय है, देश जो आगे बढ़ रहा है और ये पीछे की बातें कर रहे हैं, तो ये ऐसा लगता है कि ये तो अपनी हार से ही बुखलाए हुए हैं और उसका जो जिम्मा है वो भारतीय जनता पार्टी पर मरने जा रहे हैं। ये तो टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ना चाहिए ना कि ईवीएम का वो करना चाहिए, वे हमें बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। अब तो आगे बढ़ना चाहिए।